हेलो गाइस, आई एम एके गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एके लीगल। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस होता क्या है, इसका अगर जनरली मीनिंग बताऊं मैं आपको, तो एक पर्सन जो डोमिनेट करता है दूसरे की विल पर, तो वो होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। और वो उस डोमिनेट पोजिशन में कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है दूसरे के साथ और अनफेयर एडवांटेज ले लेता है, तो वो होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं मैं, कि कोई एक टीचर होता है, आप अगर क्लास लेते होंगे तो जैसे टीचर होते हैं और कोई उनका एक स्टूडेंट होता है जो उनकी हर बात मानता है, आपने देखा होगा काफी, जैसे मॉनिटर वगैरह होते हैं तो टीचर वो अपने काफी काम करवाते हैं स्टूडेंट से। तो कई बार वो स्टूडेंट इच्छा भी नहीं होती करने की, लेकिन वो करता है क्योंकि जो टीचर है वो डोमिनेंट पोजिशन में है, वो उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो एक अनड्यू इन्फ्लुएंस इस तरीके का होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि ये क्या कहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो सेक्शन 16 में डिफाइन किया गया है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये कहता है, इसका फर्स्ट क्लॉज कहता है, ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टी इज इन पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर एंड यूजेज दैट पोजिशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। तो इसका मतलब ये है कि वन वन ऑफ द पार्टी इज इन ए डोमिनेट पोजिशन, मतलब कि एक पार्टी डोमिनेट पोजिशन में होगी और दूसरे की विल पे उसके डोमिनेट पोजिशन होगी। जैसे कि कोई बॉस हो जाता है या आपको कोई सीनियर हो गया, तो आप जब भी उससे अगर कुछ कॉन्टेक्ट करेंगे, वो आपसे कुछ कॉन्टेक्ट कर रहा है, तो कई बार होता है कि आप उसके दबाव में रहते हैं। अगर बॉस ने कहा कि मुझे ये चीज दे दो, तो आप हो सकता है दे सकते हैं किसी भी अनरीजनेबल डिमांड में, या कोई आपका सीनियर है, किसी से भी आप ऐसा रिलेशन है जिसकी आपकी रिस्पेक्ट है, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में डोमिनेंट पोजीशन में हो सकता है। और दूसरी चीज क्या देखने वाली है, अनफेयर एडवांटेज। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ कॉन्टेक्ट नहीं करते, अगर उस कॉन्टेक्ट में अगर वो अनफेयर एडवांटेज लेता है, मानो कि जैसे कि आपके पास 7,000 का फोन है और आपके बॉस को अच्छा लगा, वो कहते हैं कि अच्छा आप मुझे ये दे दो, मेरे को अच्छा लगा, और वो प्राइस दे देता है 2,000 या 3,000, तो वो क्या है, उसने एक अपनी पोजीशन का ना अनफेयर एडवांटेज लिया है। तो इस तरीके से ये आपके साथ हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के से ली गई कंसेंट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। आई होप आपको क्लोज वन अच्छे समझ में आया होगा ये किसकी बात करता है। ये सिर्फ दो ही बात कहता है, जहां पर एक पार्टी पोजिशन में है डोमिनेट दूसरे की विल पर और उसने अनफेयर एडवांटेज लिया हो, उसने एडवांटेज जो लिया हो वो अनफेयर एडवांटेज लिया हो उस पोजीशन का, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। सेकंड बात करता है, इन अ पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रिजुडिस द जनरली ऑफ द फॉरगोइंग पर्टिकुलर ए पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन ऑफ डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। तो कुछ ऐसे रिलेशन है जिसमें वो दूसरे की विल पर डोमिनेट पोजीशन में रहता है, जो कि वेयर ही होल्ड्स, इसे देखिए, वेयर ही होल्ड्स ए रियल और अपीरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर और वेयर ही स्टैंड इन द फिड्यूशियरी रिलेशन टू अदर। जैसे कि रियल एंड अपीरेंट अथॉरिटी, जैसे कि आप सन और फादर का रिलेशन हो सकता है, फादर डोमिनेट पोजीशन में रहता है सन के, ये हो सकता है। और जहाँ पे फिड्यूशियरी रिलेशन क्या होते हैं, जैसे कि ट्रस्ट वाला रिलेशन, जैसे एडवोकेट और क्लाइंट का, क्लाइंट जैसे एडवोकेट क्लाइंट के उसे बेल वगैरह दिला देता है या उसके केस में अच्छे से हेल्प कर देता है, तो वो एक डोमिनेंट पोजीशन में होता है और वो काफ़ी उसके वो भी जानता है राज। वहीं एक डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशन है, वहां पे डॉक्टर किस में होगा, वो डोमिनेंट पोजीशन में होगा, फिड्यूशियरी रिलेशन में ट्रस्ट है उसका एक, तो इस तरीके होते हैं। ऐसे केस में डोमिनेंट पोजीशन साफ दिखती है। एंड वेयर ही मेक्स अ कॉन्टेक्ट विद ए पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परेली और परमानेंट इफेक्टेड, अगर उसके उस पर्सन के साथ कॉन्टेक्ट करते हैं जहां पे उसकी मेंटल कैपेसिटी टेम्परेली और परमानेंट अफेक्टेड है By reason of age, illness or mental or bodily stress, इन सब की वजह से अगर वो temporarily और permanently affected है और उसका use करके unfair advantage ले लेता है वो, तो ये undue influence होगा। आपको clause 2 भी समझ में आ चुका होगा। clause 3 की बात करते हैं। clause 3 के कहते हैं, where a person is in a position to dominate the will of another, enters into a contract with him, and the transaction appears on the face of it or on the evidence adduced to be unconscionable
द बर्डन ऑफ प्रूविंग डेट सच कॉन्टेक्ट वॉज नॉट इंड्यूस्ड बाई अनड्यू इन्फ्लुएंस शैल बी अपॉन द पर्सन इन ए पोजिशन ऑफ डोमिनेशन द विल ऑफ अदर। तो ये जो थर्ड क्लोज है ये बात करता है एक तरीके से बर्डन ऑफ प्रूफ की, जहां पे एक पार्टी डोमिनेंट पोजिशन में है, विल ऑफ अनदर दूसरे की विल के पर है और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, तो जहां पर ये ट्रांजेक्शन है वो अनरीजनेबल लगेगी। तो वहां पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर आएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आएगा जो उस पोजीशन में है, डोमिनेंट पोजीशन में है, किसके, दूसरे की विल के, दूसरे पर्सन की विल पर उसकी डोमिनेंट है, तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आ जाएगा उस ट्रांजेक्शन के लिए। अब इसका इफेक्ट देखते हैं, इसका इफेक्ट क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस का। वेयर कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। तो अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस से अगर कंसेंट ली जाती है तो वो कंसेंट फ्री नहीं है और वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो क्या होगा, वॉइडेबल है, उसे बाद में वॉइडेबल कराया जा, वॉइड कराया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो वॉइड तो नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा लेकिन वो वॉइडेबल है, उसे वॉइडेबल कराया जा सकता है। तो जो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या कॉन्ट्रैक्ट है, ये कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है, जनरली पूछ लेते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का नेचर क्या है, कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमेशा आपको याद रखना कि अनड्यू इन्फ्लुएंस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। आपको एक दो एग्जांपल और देते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिए, ए हैविंग एडवांस मनी टू हिज सन, बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी अपॉन बी कमिंग द एज ऑफ ऑब्टेंस बाय मिसयूज ऑफ पैटर्नल इन्फ्लुएंस ए बॉन्ड फ्रॉम बी फॉर ए ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांस ए एम्प्लॉइज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। जो ए होता है फादर, वो अपने सन को पैसे उधार देता है जब वो माइनर होता है, तो बाद में क्या होता है जब वो अपनी मेजोरिटी की एज में आ जाता है तो वो अपने पैटर्नल इन्फ्लुएंस में मिसयूज करके एक बॉन्ड भरवा लेते हैं अपने सन से, जो कि एक ग्रेटर अमाउंट होता है जो उसे दिया जाता है सन को, उससे काफी ग्रेटर अमाउंट होता है। तो ये क्या होगा, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि वहां पे जो उनका रिलेशन है वो फादर का डोमिनेंट पोजिशन में है सन के, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। वही सेकेंड एग्जेप्शन एग्जाम्पल है, ए मैन इम्फीबल बाय द डिसीज और एज is induced by B influence over him as his medical attendant to agree pay an unreasonable sum for his professional service. B employs undue influence. तो यहाँ पे जो A होता है वो person बीमार होता है और जो B है वो doctor है, तो वो जो agree होता है वो unreasonable amount देता है किसको, doctor को, professional service के लिए, तो वो जो है वो undue influence में होगा क्योंकि वो unreasonable amount है, unreasonable sum। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो डोमिनेंट पोजीशन में है। आई होप गाइस आपको ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का पूरा टॉपिक समझ में आ चुका होगा, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।